वसई विरार वो अन्य क्षेत्र में लगातार बरसात के चलते अब महामार्ग की समस्या एक बार फिर से सामने आ गई है। जहां लगातार बरसात से एक तरफ महामार्गों पर जलभराव की समस्या लगातार उठाई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों वापस उन्हीं समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। आप बता दें कि मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर एक बार फिर से भारी जाम लगा हुआ है। इसी के साथ साथ ये नजारा भी आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सड़क के किनारे जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि अगर अनियंत्रित हो जाए कोई गाड़ी तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में इन सभी बातों से नजरअंदाज होकर प्रशासन शांत बैठा है, तो ऐसी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है। आखिर कब इन सब समस्याओं से निजात मिलेगा यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुशांत पाटिल ने इन मुद्दों को उठाकर प्रशासन को जागरूक रहने और करने का प्रयास किया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखना यह भी होगा कि आने वाले समय बरसात किस तरह कहर लेती है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय महामार्गों पर यह नजारा खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन सभी चीजों को देखने के बाद कब चुस्ती से काम करता है, जनता को ट्रैफिक से कब निजात मिलता है और इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से जनता कब अपना सरदर्द दूर कर पाती है, क्योंकि जिस प्रकार का नजारा है वो निश्चित रूप से आवाजाही के लिए अत्यंत खतरनाक है और परेशानी पूर्ण है। देखना यह होगा आने वाले समय में कब तक इन सारी समस्याओं से जनता को निजात मिलता है।